अभी आपको हम बताते हैं कि हमारा अचानक सडन प्लान बना कैसे। इन लोग कब से बकबक कर रहे हैं, मुझे कुछ कहने नहीं दे रहे। Hit a light with a bitch from the bayou. Make sure the pussy ball no caillou. Hadouken your ass like I'm Ryu. My splash on your ass like a ice. Chapstick on my lip, but I'm looking like a bitch. I had a couple kids, but I threw 'em in a dish. With the ice on my wrist, no a guy could the whip. We can take four, spin every bar before ten. And I've been fucking bitches in my minivan, and I've been flipping switch. Hello guys, my name is Deepak, and welcome back to my YouTube channel. Love. So, अभी फिलहाल हमें 11 मिल पे और हमारे इंडिपेंडेंस राइट्स वाले मतलब क्या बोलते हैं कंटेंट फिलिप्स और अभिनव। तो अभी हम लोग कहीं तो जा रहे हैं, तो आज हम जहाँ पे जा रहे हैं ना अनप्लैंड राइड है वो आपको मैं बताऊंगा मोटर ब्लॉगिंग के वक्त। और अभी हम लोग कहीं तो जा रहे हैं, वो जगह के नाम मुझे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो फिलिप्स हमें लेके जा रहे हैं वहाँ पे, तो प्लेस अच्छा है। तो काफ़ी बातें मोटर ब्लॉगिंग में करते हैं, मतलब बहुत ही अनप्लैंड राइड है, तो इसके लिए अभी साउंड बहुत ही लाउड आ रहा है। So guess what? आज हम सोनापुर नहीं जा रहे, आज हम जा रहे मेघालय साइड। मेघालय लिटरली बाइक लेके आ गए, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ इस साइड पे, मतलब मैंने अपने बाइक को इन किया है, नहीं तो हमेशा सोनापुर साइड। आप लोग भी तंग आ गए होंगे सोनापुर साइड से, वो देखो उसको देखो। आए 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 जाऊंगा मैं शिलोंग बाइक लेके, इट्स 80 किलोमीटर, मुझे रोना आ रहा है। क्योंकि ना गाइस शिलोंग का रोड जो है ना गाइस मक्खन है। ओए होए 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 होए, उस दिन मैंने इसके बाइक के ऊपर ब्लॉग बनाया और इसने आज ही बाइक को जो है मॉडिफाई किया। वाह, पहले बोलता आज मॉडिफाई कर रहा हूँ तो मैं बातें बनाता ना ब्लॉग। कॉर्नरिंग देखो, क्या कॉर्नरिंग ले रही है। आप लोग बस मजे लो, मजे। लिटरली इतनी खुशी मिल रही है मुझे बाइक लेके, मैं इस साइड पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। लाइक सीरियसली मैन, ये रोड के लिए मैं इतना तरस रहा था। ये जो रोड है ना यहाँ पे, मतलब एकदम ऐसा स्मूथ रोड है ना, और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस रोड पे। तो मुझे सड़क नहीं पता इसलिए मैं आगे नहीं जाऊँगा। एंड काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि भाई डीबी वाइजर लगाओ, डबल वाइजर लगाओ, तो वो भी लगाएंगे, मैंने ऑर्डर किया है। तो अमेजोन से अभी क्या है ना, कोरोना के लिए अमेजोन से भी जो ऑर्डर्स है ना वो बहुत लेट करके आ रहे हैं, तो इसके लिए आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो क्या करें अब। एंड बाय द वे राइट नाउ इट्स 1 बजने वाले हैं, 1 ऑलरेडी बज चुका है। तो सडन प्लान आर, मैंने अक्सर सुना है कि सडन प्लान आर बेस्ट प्लान, तो देखते हैं अभी कितना बेस्ट होता है। My shit on Pinterest, cop a couple fans, and I hope that y'all listening, cause I'm going ham. I've been doing coke, no cola, gotta get the fucking white. I hit her on my Motorola shorty. Alright, so far, okay. This is called 14 male or 13 male, I guess. Oh, ये वाला route है क्या? हाँ, ये वाला आया है मैं। यहाँ से वो सोनापुर निकलेगा, क्या बोलता तेरा? वो जो तामुल, हाँ। पूरा क्या ना पूरा रास्ता? मतलब मैं गाड़ी जब सीखा था ना, तो यही route पे आके सीखा था। अंदर पे, हाँ पूरा वहाँ पे सोनापुर सीधा, हाँ सीधा विधा कॉर्नर है। चलो मैं सोचता कोई और रूट होगा, बट ये रूट पे तो मैं आया हूँ पहले भी। बाय द वे जब मैं स्टार्टिंग में जब गाड़ी सीख रहा था ना, तो मेरे अंकल अक्सर यहीं पे लेके आया करते थे हम मुझे गड्डी सिखाने के लिए। शिलो ऑफ रोडिंग। पूरा सुपर बाइक वाला फीलिंग आ रहा था। टनल के अंदर क्या बसता है इसका साउंड, वाह। एक्चुअली ये जो साइड है ना, ये भी आसाम साइड ही पड़ता है। ओहो, यहाँ पे कुछ तो टर्नर बन रहा है क्या ट्रेन का।
अंडरग्राउंड टर्नल, वो भी ट्रेन का ही होगा ऑब्वियसली। चला गया वो। आ जाएगा वो फटा फटा फटा। चल दिया लंबा रूट दिखाने के लिए, लवंडा निकल पड़ा। With a bitch from the bayou, make sure the pussy ball no caillou. Who do keep your ass like I'm Ryu? My splash on your ass like a ice. Chapstick on my lip, but I'm looking like a bitch. I had a couple kids, but I threw them in a dish. With the ice on my wrist, no guy could whip. We could take four, spin every rap before 10. And I've been fucking bitches in my bed. अलग आदमी सोच लिया, ठीक है। अभी आपको हम बताते हैं कि हमारा अचानक सडन प्लान बना कैसे। इन लोग कब से बकबक कर रहे हैं, मुझे कुछ कहने नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा इन लोग को बकबक करते रहना, बीच में कह दूंगा फिर चुप हो जाएंगे। सो राइट नाउ इट्स 128 और यहाँ पे जो है ब्लॉग अपलोड हो रहा है, एग्जॉस्ट वाला ब्लॉग जो आप देख चुके होंगे, वो वाला ब्लॉग अपलोड हो रहा है। और मैंने एग्जॉस्ट वाला ब्लॉग बनाया उस दिन बाइक इतना मॉडिफाइड नहीं थे, और साले ने आज ही जाके माइक बाइक को जो है मॉडिफाई करके आ चुका है। और इसने अपनी जुल्फे गिरा दी। एंड बाय द वे आज हमारे अभिनव का बर्थडे है, टुडे इज 1st सितंबर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पार्टी पार्टी देगा अभी रास्ते में, न्यू जैकेट पार्टी अभी रास्ते में देंगे, अभी करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे विश करने का भाई को। तो अभी यहाँ पे थोड़ा व्यू का आनंद ले रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैं पहले भी आया था, और यहाँ पे भी ईटा भट्टी है ना वो। आजकल हम लोग हर जगह ईटा भट्टी वाला जगह पे जा रहे हैं, क्या बात है। तो अभी यहाँ पे क्या है ना गाइस, यहाँ पे रास्ता जो है बहुत ही अभिनव रोड। तो अभी हम सोच रहे हैं यहाँ पे एक फ्लाई बाय किया जाए अभिनव के बाइक के साथ, तो एग्जॉस्ट का साउंड कुछ ज़्यादा ही आएगा ना, तो मज़ा आ जाएगा, करते फिर। सो या अभी हम लोग फिलहाल जोराबाट पे रुके हैं। वहाँ से हम लोग सीधा यहाँ तक आ गए, क्योंकि फ्लाई बाय हम लोग वहाँ पे लेने वाले थे। तो इसने क्या किया, एक बाइकर्स था वो पूरा मतलब रफ्तार में चला गया, तो वहाँ पे एक गांव के लोग था, तो उसके चक्कर में ये भी मैं भी जाकर दूंगा कहकर ये जा रहा था। ये वहाँ पे जाके मतलब फ्लाई बाय देने गया, तो वहाँ का गाँव के लोग मतलब पूरा पत्थर उठा के इसको मारने लगा, लिटरली ऐसा उठा के इसका मतलब हट गया जरा। अरे क्या बोला वो गांव वाला लोग, मैं उससे पूछा है क्या बात है, उसने बोला कि भाग गया थे मैं घुमा दिया। तो इसी के लिए वहां से हम लोग सब भाग गए। फिर वहां से क्या हुआ कि मेरा जो कैमरा था ये हो गया था लीनियर मोड पे, सुपर व्यू मोड पे करना चाहिए था, तो वहां से लेके यहां तक कुछ फुटेज रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, इतना मस्त कॉर्नरिंग वॉर्नरिंग मार के आ रहे थे। ओके तो यहाँ पे हम लोग ने कर लिया है लंच, अभी यहाँ से सीधा निकलते घर की तरफ। एंड देख लो भाई साहब, हम भी जब डबल बबल वाइजर जब लगाएंगे तो ऐसा कुछ व्यू आने वाला है। आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं पता नहीं मुझे, जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि लगाओ या नहीं। अगर नहीं तो फिर मैं नहीं लगाऊंगा, तो ऑर्डर जो मैंने किया उसको कैंसिल कर दूंगा एज यूजल, सिंपल फंडा स्पिरिट वेलकम। एंड कल ही मैं राइड जाके आया था, कुछ अराउंड 275 किलोमीटर का राइड करके आया था। एंड आप लोगों का सवाल तो होगा ऑब्वियसली जी, बैक पेन हुआ कि नहीं, शोल्डर पेन हुआ कि नहीं। बैक तो पेन नहीं हुआ गाइस, बट एंड शोल्डर जो है बहुत ही पेन हो रहा था कल। बट रात को मैं वैसे आया, घर आके फ्रेश हुआ, नहा धोवा के उसके सो गया थोड़ा बहुत मसाज करके। बट देन आई मस्ट टेल यू, राइड वॉज मज़ेदार, मतलब अलग ही लेवल का मज़ेदार। बस आज के ब्लॉग में फ्लाई बाय नहीं हुआ, बहुत ही दुख लग रहा है हमें। जैसे कि मैं एग्जॉस्ट वाले ब्लॉग में कह चुका हूँ कि बहुत ही अटेंशन मिलता है ये बाइक चला कर, वही मिल रहा है मुझे। देखो वॉकिंग जोन में घुस के यहाँ पे रुकते हैं, बाइक को परख करते हैं। फिलिप्स काफ़ी पीछे रह गया लगता है। सो हाजर्ड फ्रेशर कुछ ऐसा दिख रहा है, एंड डीवी वाइजर लगा के फ्रंट व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके साथ कंपेयर करके मेरा बाइक इतना छोटा लग रहा है ना, ये इसके लिए डबल वाइजर के लिए। ऐसा लग रहा है कि मेरा छोटा है। लेट कमर्स, तो बस यहाँ पे इतना ही था आज का ब्लॉग का कार्यक्रम, शॉर्ट सडन प्लान। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अब मैंने बहुत बढ़िया किया तूने। अब मैं सोच रहा हूँ कि थंबनेल और टाइटल क्या रखूँ, वो अभी तक माइंड पे आया नहीं है। क्या कर रहा है अभी, ये क्या है, ये जुल्फे क्या है। हम तुमने राइट पूरा बराबर है ना। हाँ पाँव ऊँचा करेंगे तो होगा ना। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको दो बार इसको दो बार लाइक करने का, और इसको बर्थडे विश करने का कमेंट सेक्शन में। एंड या बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय 15 का हुआ ये। बाय बाय।
स्पीड कम किए जा सकते हैं यार, इसमें थोड़ा कम करना पड़ता है क्योंकि ये ज्यादा आगे है। आगे इन लोग यहाँ पे पीछे कुछ तो बकबक कर रहे हैं, इन लोग झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। KTM इस पे एक KTM इस बेस्ट बोल रहा है और एक R15 V3 इस बेस्ट बोल रहा है। अबे एक लड़का आता है